हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। मैं असलम अली, क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का टॉपिक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जैसा कि कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा जनन जिसमें केवल एक ही प्रकार के जीवों की आवश्यकता होती है, ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा जैसी संरचनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। अगला स्लाइड है अलैंगिक जनन के प्रकार। इसमें पहला नंबर है विखंडन या विभाजन। अलैंगिक जनन विखंडन जनन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, द्विविभाजन तथा बहुविभाजन। जब कोई कोशिका यानी कि विखंडन विभाजन के लिए, विशेष तौर पर ये एक कोशिकी जीवों में ये पाया जाता है, जब विखंडन विधि में जब एक कोशिका जब दो पुत्री कोशिकाओं में जब बढ़ जाता है तो उसे द्विविखंडन कहते हैं अथवा द्विविभाजन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बाइनरी फिशन। उदाहरण के लिए देखो नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल है जो कि एक बैक्टीरियल सेल से दो बैक्टीरिया के सेल्स में यानी कोशिकाओं में विभाजित हो रहा है। जो दूसरा प्रकार है बहुविखंडन अथवा बहुविभाजन यानी मल्टीपल फिशन, यह देखा जाता है सामान्यतः प्लाज्मोडियम जैसे सूक्ष्म जीवों में। इसमें क्या होता है कि एक जीव दो से अधिक भागों में, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाते हैं, उसके बाद प्रत्येक जो भाग जो है सेल्स हैं वो वृद्धि करके एक नए प्लाज्मोडियल सेल्स में बदल जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है मुकुलन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बडिंग। मुकुलन की विधि अगर देखा जाए तो सामान्यतः यीस्ट तथा हाइड्रा जैसे जीवों में यह पाया जाता है। इस संरचनाओं में क्या होता है कि एक यीस्ट की कोशिकाएं, जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे हैं, उस यीस्ट सेल के ऊपर उभार जैसी संरचनाएं बनने लगती हैं। इसके बाद ये उभार एक श्रृंखला में परिवर्तित हो जाते हैं और यही उभार जो है फिर बाद में विखंडित होकर के कट करके और पहले वाली कोशिका से अलग हो जाते हैं और एक नए कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। तो बडिंग सामान्यतः यीस्ट तथा हाइड्रा जैसी कोशिकाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं हाइड्रा, ये एक प्रकार का फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला एक जलीय जीव है जिसमें भी बडिंग के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया पाई जाती है। तीसरा नंबर है बीजाणु निर्माण। बीजाणु या जिसे स्पोर कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन यह भी सामान्यतः देखा जाता है कवकों में यानी फंगस में, जैसे उदाहरण है राइजोपस। तो राइजोपस में यह देखने को मिलता है कि सूक्ष्म छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि जिसे बीजाणु कहते हैं। यह बीजाणु यानी कि स्पोर स्पोरेंजियम अथवा बीजाणु धानी जैसी संरचनाओं में विकसित होते हैं और जब पूरी तरह से यह संरचना जब परिपक्व हो जाते हैं तब यह अपने बीजाणु जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं, ये मुक्त होकर के। और फिर जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है यानी अनुकूलन स्थिति आती है, मौसम आता है, तो उसके बाद यह बीजाणु यानी कि स्पोर जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के और नए कवक का निर्माण करते हैं। अगला है कोनिडिया। कोनिडिया भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन की यह उदाहरण है जो कि देखने को मिलता है सामान्यतः कवकों में, जैसे पेनिसिलियम की स्पीसीज में। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं कि ब्रस जैसी संरचनाएं पेनिसिलियम जैसी कवकों में भी पाई जाती है, जिसके ऊपर छोटी छोटी गोलाकार संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। यह कोनिडिया इन संरचनाओं यानी कवक की कोशिकाओं से कट करके अलग हो जाते हैं और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं,
तो वैसे ही ये कुनिडिया जर्मिनेट होकर के, अंकुरित होकर के और नए कवकों का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट था खंडन, या जिसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन यह भी देखने को मिलता है सामान्यतः शैवालों में, जैसे स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा नामक शैवालों में यह इस प्रकार के फ्रेगमेंटेशन की क्रिया देखने को मिलती है, यानी खंडन की क्रिया देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है कि वेजिटेटिव यानी कायिक सेल्स की कोशिकाएं जो होती है खंडित होकर के फ्रेगमेंट में बढ़ जाती है, खंडों में बढ़ जाती हैं। उसके बाद जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, यानी जल का जमाव जब अधिक होने लगता है, तो यह जो है जल की पूर्ति के कारण यह जो है कोशिकाएं, यानी कि स्पाइरोगाइरा की जो कोशिकाएं हैं जो खंडित हो चुकी होती हैं, ये सारी की सारी कोशिकाएं अंकुरित होकर के और फिर ये नए प्रकार की स्पाइरोगाइरा प्लांट में यानी कि शैवाल में परिवर्तित हो जाती हैं और ये जर्मिनेट करके बड़े हो जाते हैं।